एंड मिनास का, तो वहाँ पे ये पीआरके का स्क्वाड गिर चुका है। सही बात है, यहाँ पे जोन फ्लाइट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हुए टीम्स यहाँ पे स्प्लिट अप हो रहे हैं। सोल अपनी नॉर्मल म्यूटेशन पिकाडो की तरफ जाएगा, एक्सक्यूएफ भी मुझे ड्रॉप लेते हुए दिख रही है, पर शायद पिकाडो तो नहीं जाना चाहेंगे, सेंट मार्टिन की ओर जाना चाहेंगे। सोल ने यहाँ पे एक चीज उनके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो सकता है, क्योंकि वो नाइन स्पॉट पे जा चुके हैं। अब सोल को हो सकती है कोई टीम टारगेट ना करे इतनी जल्दी, पर यहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ द जोन में काफी लेफ्ट साइड ऑफ द फ्लाइट पाथ में काफी कम टीम कूदते हुए दिख रहे हैं। टीम 16 अपनी यूजुअल रोटेशन यहाँ पे लॉस इगोस की ओर जाते हैं। एक चीज यहाँ पे नोट कराना चाहूंगा, टीम सोल के पास यहाँ पे एक स्क्वाड है जहाँ पे वो लोग उतर रहे हैं, उनके नीचे मेरी गर्ल से 7th का कुछ स्क्वाड है, वहाँ पे फाइट भी होती हुई नजर आ रही है अगर आप वहाँ पे देखोगे मैप में तो। ओके लेट्स सी, यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर कैमरा एंगल वहाँ पे क्लोज जाएगा तो पता चलेगा हमें टी क्यू का स्क्वाड है वहाँ पे सोल के पास। सोल वाइपर तो यूजुअल रोटेशन रहा है इनका, पर यहाँ पे जोन टीम सोल को काफी फेवर करते हुए, अगर आप जोन की बात करो टीम सोल बिल्कुल जोन के सेंटर पॉइंट जीरो पे खड़ा है। यहाँ पे अगर टीम सोल टीम कैसो को पिक ऑफ करना ही होगा, क्योंकि अब टीम कैसो भी नहीं चाहेगा कि वहां से मूव करे। जनरली क्या होता है टीम कैसो के सामने कोई भी टीम उतरती है तो टीम कैसो बैक ऑफ करने की सोचती है, पर यहाँ पे टी क्यू मार्को का बहुत ही शॉर्ट आते हुए वाइपर पे एंड सन किसी भी तरीके से बच्चे वाइपर ने डॉच किया। टीक्यू के मार्को के पास ऑलरेडी एक गेम लेवल 2 बेस के साथ है, एंड यहाँ पे सोल वाइपर पिकअप होते हुए टीक्यू के एक्सेल से, सोल वाइपर फिनिश होते हुए गेम का फर्स्ट ब्लड टीम कैसो के नाम पे, एंड सोल अपना यहाँ पे वाइपर को खोते हो चुका है। यहाँ पे टीम कैसो चाहेगी कि वो अपने लिए ये जगह को पूरा बना ले, या सोल चाहेगी कि वो फाइट बैक करके टीम कैसो को यहाँ से भगा दे। बट मेरी ख्याल से सोल को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि टीम कैसो यहाँ पे उतरेगी, बिकॉज जब वो लोग कल भी उतरे थे यहाँ पे पिकाडो में वो लोग अकेले थे। टी क्यू मार्को यहाँ पे क्लोजन कर रहे हैं, रौनक अकेला है, 1v2 फाइट है, कैन ही क्लच दिस फाइट, बिकॉज के पास यूएमपी है राइट साइड से भी आ रहे हैं, रौनक को भी नॉट डाउन कर रहे हैं, ही विल गेट पिक ऑफ एंड यहाँ पे फिनिश होते हुए 2 प्लेयर्स यहाँ पे सोल के निकल चुके हैं। ओवेस यहाँ पे फॉल बैक कर रहे हैं मॉडल के साइड, बिकॉज ये लोग उतरे ऐसे थे कि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि टीम को इस बार उनके पास नहीं, मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आया, जब हम फ्लाइट से ड्रॉप लेते हैं तब हमें अपना थोड़ा सा जो एग्रेसिव गेम प्ले जो अभी यहाँ पे दिखाया था एरंगल, वो थोड़ा सा पैसिव जाना पड़ेगा, बिकॉज अब यहाँ पे फाइट विनिंग की नहीं है मेरे ख्याल से, पोजीशनिंग की है रहेगी, बिकॉज अब यहाँ से अगर चिकन सारे मैच निकल जाए तभी कुछ हो पाएगा यहाँ पे लीडर बोर्ड में टॉप जाने का। बट सिर्फ पोजीशनिंग एक अच्छे रिस्पेक्टिव पोजीशन के लिए यहाँ पे टीम सोल को खेलना पड़ेगा। सही बात का, मिले ही मिले, बिकॉज रौनक के पास आई डोंट थिंक सो इसके पास हेलमेट या वेस्ट दोनों चीजें रहेंगी, एंड रौनक एंड वाइपर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली गन फाइट में जिसे हम बोलते हैं, मतलब सही बात है, मतलब मुझे फिनिश हो गए। कमेंट सेक्शन पे हेट देख के ये पता चल रहा है कि मतलब अगर कोई बंदा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ग्रेनेड फेंका है मॉर्टल यहाँ पे, फ्रेग ग्रेनेड्स का थ्रोएबल्स का आप बोलो तो बहुत अच्छा यूज करता है, ही इज ट्राइंग टू फॉल बैक फ्रॉम द सिचुएशन, एंड जो कि बहुत सही भी है राइट साइड से रोटेट कर रहा है, ओवीज के पास वो जाने की कोशिश कर, बिकॉज ये एक थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे देखने को मिला, बिकॉज एग्रेसिव यहाँ पे आप नहीं खेल सकते, एंड वही चीज यहाँ पे दिखाई सोल मॉर्टल ने, एंड टीएस के भी यहाँ पे 2 प्लेयर्स उन लोगों ने कॉल कर लिए थे, के एसकेआर एंड व्हाइट कैट भी जो क्लोज इन कर रहे थे, उनको पता था यहाँ पे फाइट एंगेज हुई है, बट सोल मॉर्टल यहाँ पे दिमाग लगा के वापस से चले गए ओवीज के पास। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे टीम सोल के सामने वहां पर टीएस की टीम आते हुए कल, ऑल्दो इन्होंने टीएस को बहुत अच्छा पिक ऑफ किया था लास्ट गेम में जब हमने देखा था इरेंगल में इन पे जोन बना था, एंड यहाँ पे एस सीबी की टीम रोटेशन स्टार्ट करते हुए चाहेंगे कि जोन में थोड़ा बेटर एडवांटेजेस पोजीशन ले। एसजीबी के इस बार चारों बंदे अलाइव है, स्कार्स ब्लैक की बात करें फर्स्ट डे फर्स्ट गेम चिकन डिनर, पर यहां पे उनका परफॉर्मेंस और आप रैंकिंग देखोगे तो बहुत ही खराब जाता हुआ डाउनहिल जाता हुआ। इससे पता हमें और एक चीज चलता है कि मतलब यहां कंसिस्टेंसी कोई भी टीम नहीं ले पा रही अपार्ट फ्रॉम ईएलजी, जिनका अल्टीमेटली एकदम टूर्नामेंट के अंतिम क्षणों में हमें पता चल रहा है कि क्या एडवांटेज है। मतलब मैं हमेशा अगर आप देखोगे मैं जब भी यही बोलता हूँ अपने प्लेयर्स को किसी भी प्लेयर्स को कि टूर्नामेंट इज अबाउट कंसिस्टेंसी, आपको 10 चिकन डिनर नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ आपको एक भी चिकन डिनर नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या टॉप 5 हमेशा रहो, क्योंकि तब आप लंबे रेस के घोड़े हो। बिकॉज एग्जैक्टली इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा अपना इलीट गेमिंग का, जो ईएलजी यहाँ पे खेल रही है उन लोगों ने यहाँ पे चिकन डिनर्स के लिए तो खेला ही नहीं है, वो हमेशा पोजीशंस के लिए खेलते हैं। मीलन यहाँ पे टीम क्वेसो इनका पीछा छोड़ ही नहीं रही है, सोल मॉर्टल एंड ओवीज के पास ये लोग पुश कर रहे हैं, बट मॉर्टल आई डोंट थिंक सो उसके पास फर्स्ट एड या बैंडेजेस भी हैं, वो लोग स्पॉटेड है, फुटस्टेप्स उन लोगों को आवाज आके बीटा राइजन यहाँ पे 4-wheeler के ऊपर सिंगल टैप कर, हमारे पास रेंडर नहीं हुआ क्या नाम है उस प्लेयर का जो 4-wheeler से निकला, बाकी बीटीआर का स्क्वाड यहाँ पे मीरामर में भी क्या यहाँ पे 4+ प्लेयर खेलेगा। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे मॉर्टल पे रश होते हैं, मॉर्टल के आते मिस्टिक को पिक ऑफ किया मॉर्टल ने स्कारल की तरफ से, एंड उसको और एक बंदा आएगा टीक्यू, मिस्टिक को मॉर्टल ने फिनिश ऑफ किया, हेल्थ लो है पर इसके पास ज्यादा लूट नहीं है, ओवेस नॉकडाउन है, एंड मॉर्टल पे आयला का रश आते हुए मॉर्टल के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होना है, यहाँ पे ओवेस यहाँ पे एक्सेल ओवेस को फिनिश ऑफ करेगा, 1v3 का सिचुएशन हो गया, मॉर्टल यहाँ मुझे फंसता हुआ दिख रहा है, टीम कैसो का बहुत ही बेहतरीन मतलब एग्रेसिव, एंड यहाँ पे टीम सोल इज द फर्स्ट टीम
जो नॉकआउट होती है 16वें पोजीशन पे एंड टीम कैसो का बहुत ही प्यारा प्रदर्शन दिखाते हुए पिकाडो में ही रुक के इन्होंने पूरी टीम सोल को चट कर गया।